हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सास बहू सिंधी तड़का का चैनल। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग सूजी के कटलेट्स। सो हम पहले बना चुके हैं, बट हमने बनाए थे पत्ता गोभी के। अब हम बना रहे हैं सूजी के कटलेट्स आलू वाले। बहुत टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए मम्मा? हमने सूजी ली है, ये दही लिया है, ठीक है, नमक लिया है, थोड़ी हल्दी ली है, चाट मसाला, सोडा, बेकिंग सोडा, और ये चिल्ली फ्लेक्स लिए हैं, ये ऑरिगेनो लिए हैं, ठीक है, ये धनिया, मटर, और ये हरी मिर्च, कैप्सिकम, और ये बॉइल्ड आलू। अब इसको हम इसका बैटर बनाएंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम सूजी का बैटर बनाएंगे। उसमें हमने दही ऐड कर दी है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी और उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा इसमें नमक डालेंगे। यस, इसमें हम ऐड करें नमक, थोड़ा नमक डाल के उसके बाद हम 5 मिनट इसको रख देंगे, रेस्ट के लिए रख देंगे, मिक्स करके जितना पानी पीना वो पी लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है 5 मिनट, अब हम इसमें बना लेंगे स्टफिंग। सो ये हमने ले लिए बॉइल्ड आलू, ये लिए हमने 5 से 6 बॉइल्ड आलू, उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, कैप्सिकम, हरा धनिया और मटर। मटर को हमने ऑलरेडी बॉइल कर लिया। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, सब डालेंगे हम स्वाद अनुसार। सॉल्ट, फ्रेंड सूजी में भी सॉल्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें। थोड़ी इसमें हल्दी डालेंगे, चुटकी भर, पिंच ऑफ हल्दी, ताकि कलर आए। आप देख सकते हैं कितनी हल्दी डाली है। इसमें हम ये चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ताकि टेस्ट आए। थोड़े ऑरिगेनो डालेंगे, थोड़ी सी हम डालेंगे ऑरिगेनो। अब हम ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला, इसे हम अपनी स्टफिंग को मिक्स करेंगे। थोड़ी स्टफिंग है वो चटपटी होनी चाहिए, तभी टेस्टी लगेगा। अच्छे से हम सारी स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे मसालों में। अच्छे से मिक्स हो गया, फाइनल ऐड करें इसमें इसी खटाई डाल देंगे, अमचूर पाउडर जिसे बोलते हैं, उसे भी हम अच्छे से मसाले में थोड़ा और टेस्ट आ जाएगा। अच्छा मिक्स कर, थोड़ा खट्टा, थोड़ा सा बहुत टेस्टी चटपटा बन जाएगा ये मसाला। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मसाला रेडी हो गया। अब हम हाथों में, मम्मी ने थोड़ा सा घी लगा लिया था, अब हम बना रहे हैं कटलेट्स। आप देख सकते हैं आलू के इस शेप में हमने कटलेट सारे रेडी कर लिए हैं, लोई शेप, गोल गोल सारे। हम ऐसे अपने कटलेट देखिए आप रेडी, थोड़ा सा घी लगा लें ताकि आलू चिपके ना हाथों में। तो हम अपनी सारी बॉल्स ऐसे रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे कटलेट्स बनके सारे रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल लग रहे हैं। अब सूजी को 5 मिनट हो गए, सूजी ने पानी चौ कर लिया है, थोड़ा इसमें और डालना, थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है, तो उसमें हल्का सा पानी और ऐड करके आप मिक्स कर ले स्पैचुला से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं। हमें बेकिंग सोडा इतनी बस चुटकी भर, आप देख सकते हैं कितनी बस, ये चुटकी भर डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कटलेट रेडी है, सूजी का बैटर रेडी है, तवा हमारा गर्म है। सबसे पहले हमें डालना है सूजी का बैटर। ये थोड़ा अलग स्टाइल का हम कटलेट बना रहे हैं सूजी आलू का, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। प्लीज मेक श्योर आप नॉन स्टिक पैन ही लें, आपको बहुत इजी होगा, बहुत अच्छा। रख देंगे इसको, अब रखेंगे हम आलू की टिक्की इसके ऊपर, ऐसा लगेगा बर्गर बना रहे हैं। इसके ऊपर अगेन हमें एक कोटिंग और करनी है, वो भी सूजी की, मतलब आपको बेसिकली कवर कर देना है आलू के स्टफिंग को, जितना भी दिख रहा है आप उसे सूजी से कवर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियो कट नहीं कर रही हूँ, आपको प्रॉपर वीडियो दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये नॉन स्टिक तवा है, ये आप देखते हैं साइड से खुद ही उठ जाएगा। सो ऐसी चीज़ें स्नैक्स और ये कटलेट्स ये सब बनाने के लिए आपके चीले, तो उसके लिए मेक श्योर आप ऐसे पैन्स ले फ्रेंड, बहुत इजी हो जाता है कुकिंग करना, आपकी रेसिपी बिगड़ती भी नहीं है। इसको हल्के और तेज पे बनाकर हम सेकेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे, कितनी देर ढक के पकाएंगे मम्मा? बस 2 मिनट में आपकी सूजी नीचे से थोड़ी पकने लगेगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलटेंगे। ये देखा, आपने इजीली पलट गया, नीचे से सूजी एकदम पक गई है। इसको फिर से हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा कटलेट बनके सूजी का अंदर स्टफिंग आलू की एकदम रेडी है। इतना आपको सेकना है फ्रेंड्स, इतना कलर आना चाहिए। अब हम दूसरा डालेंगे, अब हम सेम ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। सबसे पहले हमें सूजी डालनी है, उसके बाद हमें टिक्की डालनी है। टिक्की को थोड़ा सा प्रेस कर लें हाथों से, दोनों हाथों से, और फिर उसके ऊपर हमें बैटर डालना। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है और कितना टेस्टी है, मतलब आप ये देखें। अभी हम आपको अंदर से कट भी करके दिखाएंगे कैसा लगेगा।
सेम इसको भी कवर कर दिया, ढक के आप 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता एकदम रेडी है। अब मम्मा आपको कट करके दिखाएंगे, सारे ही हमने ऐसे बना के रेडी कर लिए। वाओ आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, आप ये देखो कितना फ्लफी है, ये देखें आप, वाओ लग रहा है ना सैंडविच बर्गर। और आप ये देखो कितना हेल्दी है, ना इसमें कोई ब्रेड है ना इसमें कोई बेसन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान करेगा। देखो आलू फ्रेंड्स आपको फ़ायदा ही करता है, आलू से कोई नुकसान नहीं है। सारी सब्जियां डली हुई हैं, कैप्सिकम वगैरह, आप इसमें और भी सब्जीज ऐड कर सकते हैं। वाओ आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है। सूजी फ्रेंड्स कभी भी नुकसान नहीं देती, सूजी इज़ हेल्दी। आलू वेजिटेबल्स सब कुछ इसमें हेल्दी है। हम केचप के साथ इंजॉय कर रहे हैं, ग्रीन चटनी मेयोनीज आप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप देखें कितना टेस्टी लग रहा है, मतलब मैं इसको क्या नाम दूँ, सैंडविच दूँ बर्गर दूँ पैनकेक जैसा भी लग रहा है मुझे। आप देखो कितना फ्लफी है, क्योंकि हमने इसमें डाली थी सोडा, सोडा से फूलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू सिंधी तड़का। और क्या कहोगे मम्मा फ्रेंच को, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड तक वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हाँ इसको बेसिकली हम बोलते हैं सूजी के कटलेट्स। और वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियोस एंजॉय करें। और अगर आप हमारी रेसिपी घर पे बनाते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आप बनाते हो तो प्लीज़ अपने स्टोरी पे वीडियो या फोटो को ज़रूर शेयर करें और हमारे पेज को टैग करें सास बहू सिंधी तड़का। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय झूलेलाल।